की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली 25/53 वैशाली एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। छपरा से चली वैशाली एक्सप्रेस सिवान रुकने वाली थी, उसके पहले ही चैनवा दरौंदा स्टेशन के बीच वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में आग लगी थी। आग लगने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस आग में किसी तरह के नुकसान होने की बात सामने नहीं आ रही है। आग लगने के बाद रेलवे कर्मचारी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। वही करीब 20 मिनट से वैशाली एक्सप्रेस चैनवा दरौंदा स्टेशन के बीच रुकी हुई है। बता दें कि 25/53 वैशाली एक्सप्रेस सहरसा से नई दिल्ली जाती है। इसी क्रम में छपरा से ट्रेन निकली और अगला स्टेशन सिवान जंक्शन था। सिवान पहुंचने से पहले ही चैनवा दरौंदा स्टेशन के बीच ट्रेन आग का शिकार हो गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि आग पर अभी काबू पाया जा चुका है। रेलवे के कर्मचारी ट्रेन की पूरी तरह से जांच करने में जुटे हुए हैं, उसके बाद ही ट्रेन को यहां से रवाना किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली 25/53 वैशाली एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। छपरा से चली वैशाली एक्सप्रेस सिवान रुकने वाली थी, उसके पहले ही चैनवा दरौंदा स्टेशन के बीच वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में आग लगी थी। आग लगने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस आग में किसी तरह के नुकसान नहीं होने की बात सामने आ रही है। आग लगने के बाद रेलवे कर्मचारी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। वही करीब 20 मिनट से वैशाली एक्सप्रेस चैनवा दरौंदा स्टेशन के बीच रुकी हुई है। अरे हटो, लाइन से काली करो, भागो भागो, लाइन काली करो, चलिए ये देखिए भाई, आग लग गया है वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। ये वैशाली एक्सप्रेस है 12/553 जो दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी, इसमें आग लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, आधा घंटे से ट्रेन रुकी हुई है चैनवा के पास। हम लोग छपरा से सिवान सफर कर रहे थे। अभी अभी बताते चले आपको कि दरौंदा और चैनवा के बीच में वैशाली ट्रेन में, जो कि बरौनी से चलकर, सॉरी सहरसा से चलकर नई दिल्ली को जाएगी, ट्रेन नंबर 12/553 में ब्रेक पैड में आग लगने से आग लग गई थी। अभी आग पर काबू पा लिया है, कोई जानमाल का खतरा नहीं है। ट्रेन पिछले 25 मिनट से रुकी हुई है, अभी ठीक है, सारे लोग सही हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है। कुछ देर में ट्रेन खुल जाएगी, बाकी आप देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।